जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सबका मेरे एक नई वीडियो में। और आज भी मेरे पास एक हॉरर स्टोरी है जो मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेल की थी। मतलब कि वो सब्सक्राइबर तो खुद को बोल रहा था, तो उसने मेल की थी। ठीक है, मेरे को ज़्यादा सब्सक्राइबर तो है नहीं, तो मैं चेक भी नहीं करता। ठीक है, तो कौन सब्सक्राइब कर रहा है नहीं कर रहा है, तो उसने मुझे बोला था मैं इसलिए। बट हाँ, स्टोरी इंटरेस्टिंग है इसलिए मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको। तो ये बात है, ये उड़ीसा की ही बात है। ठीक है, उड़ीसा में ही हुआ था ये चीज़। तो उड़ीसा में एक, उड़ीसा के पूरे एक बॉर्डर में एक गांव है जिसका नाम है मालकानगिरी। ठीक है, वो पूरे बॉर्डर में ही है उड़ीसा के, उसके बाद छत्तीसगढ़ आता है। ठीक है, तो वहाँ की ये स्टोरी है, वहाँ के गाँव में। तो वहाँ के कुछ लोग जो हैं वो छत्तीसगढ़ के मतलब कि तौर तरीके मानते ही रहते हैं, जो पूरे एंड में रहते हैं। और कुछ गांव हैं वो इस तरफ के उड़ीसा के तौर तरीके मानते रहते हैं। तो दो गांव हैं वहाँ के, मैं नाम तो नहीं लूँगा, बट हाँ उन दोनों गांव के बीच हमेशा लड़ाई लगी रहती है कि तुम उड़ीसा के रूल मानते हो, वो कहते हैं तुम छत्तीसगढ़ के रूल मानते हो उड़ीसा के। वो मतलब कि वो ऐसे ही, मतलब कि वहाँ के जो नॉर्मल गैंग वॉर्स होते हैं वो होते रहते हैं। मतलब कि वहाँ के कुछ जो दो तीन लोग होंगे जो एक मतलब कि गैंग बना के वो आपस में लड़ते रहते हैं, वो नॉर्मल है वो बात। ठीक है, पुलिस वुलिस सबको बताए, पॉलिटिशियंस को भी बताया। ठीक है, तो उनमें से क्या हुआ कि एक दिन अचानक से वो दोनों गांव की जो बाउंड्री है, मतलब कि जो इंटरसेक्शन जो वहाँ पे है, वहाँ पे क्या हुआ कि एक लड़की की गला कटा हुआ मिला और उसके बॉडी और गला दोनों अलग अलग टंगे हुए थे। तो जैसे ही कुछ लोगों ने उन्हें देखा तो उन्हें वो पहचान गए कि ये तो हमारे गांव की लड़की है, मतलब जो उड़ीसा की बात मानते थे। ठीक है, तो वो दूसरे गांव के जाकर उन्हें हल्ला मचा दिया कि तुमने इसे मार दिया, क्यों मारा, ऐसे मारा। बहुत मतलब कि बहुत झगड़ा हो गया, 3-4 दिन तक कंटिन्यूसली वो झगड़ा चलता रहा। तो चौथे दिन फिर से एक मतलब कि कुछ बच्चे स्कूल जा रहे थे, तो उन्हें उसी बरगद के पेड़ पे वैसे ही एक और औरत की, मतलब कि अब उस दिन लड़की थी, अभी एक औरत थी। ठीक है, उसकी शादी हो चुकी थी, तो वो उनके गाँव की जो छत्तीसगढ़ की बात मानते थे, उनके गांव के एक औरत की कटी हुई बॉडी और एक मतलब कि और उसका सर अलग अलग टंगा हुआ मिला। तो छत्तीसगढ़ वाले गांव को गुस्सा आ गया कि यार हमने तुम्हारी लड़की को मारा, तुम ये बोलते थे, तो उसने उसी गुस्से में तुमने हमारी लड़की को मार दिया। तो फिर से वो झगड़ा हुआ, ऐसे कंटिन्यूसली हफ्ते तक चलता रहा। हफ्ते बाद अचानक से एक दो औरत की लाशें मिली। तो अचानक गाँव वालों को लगा कि यार ये हो क्या रहा है, मतलब कि अभी एक पहले उनकी गांव की, फिर हमारे गांव की, अब उनके गांव की एक और हमारे गांव की एक, 4 लाशें मिली। उन पुलिस वुलिस को ही बताया, तो वैसे कुछ मतलब कि एक छोटा मोटा इन्वेस्टिगेशन हुआ और कुछ पता वैसे चला नहीं। ठीक है, क्योंकि उसमें से गांव में किसी ने किया नहीं था, तो वो इंटरेस्टिंग पार्ट है जो किसने किया था मैं आगे बताऊँगा आपको। तो अब गाँव वालों ने डिसाइड किया कि नहीं, अभी हमें खुद इन्वेस्टिगेट करना होगा। तो ऐसे ही कुछ वहाँ अभी मतलब उनमें से कोल्ड वॉर जो है वो बंद हो चुके थे, और वो लोग अपने गांव में एक डिसाइड किया कि ठीक है हम अभी एकजुट होके इस बात का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो अचानक से क्या हुआ कि एक बरगद के पेड़ के नीचे दूसरे कहीं उन्होंने एक मतलब कि एक पूरी मीटिंग बिठाई, उनके गांव के 10-15 लोग और इस गांव के 10-15 लोग आए और उन्होंने डिस्कस किया। तो तभी क्या हुआ कि एक बहुत मतलब बुज़ुर्ग, कभी करीब 90-91 साल की उम्र होगी उनकी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि बीच में मतलब कि ये मीटिंग को रोका, तो बोला कि ये आज से 40-45 साल पहले ये एक बार हो चुका है, ये सेम पैटर्न। ठीक है, तो वो बाहर गए थे, ठीक है, वो गांव में तब थे नहीं, तो वो बाहर गए थे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये सेम पैटर्न एक बार फिर से पहले भी गांव में रिपीट हो चुका है। ठीक है, एक उनके गांव की लड़की, एक इस गांव की लड़की, और अब फिर अब उनकी डेथ, एक दोनों गांव की लड़की मिली है। तो गांव वालों ने बोला कि मतलब तब कुछ पता चला था क्या, तब तो मतलब ये भी छोटे ही थे। तो उन्होंने कहा कि हाँ पता चला था, एक डायन थी, ठीक है, जिसे गांव वालों ने जला के मार दिया था। तो ये बोलते बोलते उन्होंने बताया कि ज़रूर गांव में कोई और है, ठीक है, जो ये जो डायन की सिद्धि है इसे कोशिश कर रहा है करने की, और इन लोगों ने उन्हें देख लिया होगा उन्हें, तो फिर उसने उन्हें मार दिया होगा। तो फिर गांव वालों ने बोला कि ठीक है, इस बार हम उस रात को हम में से 2-3 लोग उस रास्ते से आएंगे। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, ठीक है, उसी रास्ते पे क्यों मतलब उस बरगद के पेड़ के पास क्यों कटी हुई बॉडी टंगी मिलती है 4-5। तो फिर ये तय हुआ, और कुछ मतलब कि हट्टे कट्टे लोग थे दोनों गांव के, उनमें से उन गांव के, उस गांव के 2 लोग और उस गांव के 2 लोग, 4 लोग रेडी हो गए कि हम जाएंगे। ठीक है,
तो फिर ये तय हुआ कि बाकी के गांव के लोग उनके आसपास रहेंगे बट छुपके रहेंगे, क्योंकि वो सामने नहीं आएंगे। ठीक है, तो रात हुई और ये जो चारों लोग हैं वो उस रास्ते से जा रहे हैं। तो फिर उन्हें पहले तो कुछ नॉर्मल नहीं, मतलब अब नॉर्मल नहीं दिखा, सब नॉर्मल नॉर्मल ही था। ठीक है, अंधेरा था, टॉर्च वॉर्च लेके वो जा रहे थे। तो फिर अचानक से एक झाड़ी के पास से एक कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई, मतलब कि कुछ धीमी आवाज़ में कुछ कोई, मतलब कुछ बड़बड़ा रहा है। ठीक है, और फिर अचानक से वो बड़बड़ाने की आवाज़ जो है वो बंद होकर कुछ, मतलब कि एक खाते हुए की आवाज़ नहीं आती, जैसे चाट के खाते हैं वैसे आवाज़ से आती है, उस तरह की आवाज़ आती थी। तो गांव जो चार लोग थे उन्हें, मतलब कि थोड़ा सा अजीब लगा, तो ये लोग धीरे धीरे टॉर्च लेकर उस आवाज़ के पास गए और वहाँ के पेड़, एक पेड़ के पास उन्होंने झांक के देखा। तो उन्होंने जो देखा, लिटरली आप यकीन नहीं करोगे, एक जो क्या बोलते हैं, एक औरत, ठीक है, अपने पैर को ऊपर करके सर के बल खड़ी होके एक बकरी को मार के खा रही है। ठीक है, और मतलब कि खा नहीं रही है वो, उस बकरी की गले को उसने अपने नाखूनों से या फिर किसे तो उसने काटा है। ठीक है, और वहाँ से एक मतलब खून निकल रहा है उस गले से और वो उसे चाट रही है। ठीक है, ये देख के इन लोगों की मतलब कि फट चुकी थी। ठीक है, मुस्टंडे थे भाई, जो मतलब कि कुश्ती करते हैं ना वो लोग थे ये लोग, और ये लोग डर गए थे। तो उन्होंने जैसे ही डर के मारे उन्होंने चिल्ला दिया एक ने, तो अचानक से उसने जो है वो अपने पैर नीचे करके वो सीधा खड़ी हो गई और वो इनकी तरफ इतनी तेज़ आकर भागी कि मतलब कि इन्होंने पलक झपकाया ही था, वो इनसे करीब 500 मीटर की दूरी पे होगी। ठीक है, वो उन्होंने ठीक है, मतलब कि स्ट्रीट लाइट थी उसके नीचे ही वो खड़ी थी रोड में, मेन रोड में। ठीक है, कोई गाड़ी वाड़ी तो नहीं आ रही थी इस टाइम, तो इसलिए वजह से वो खा रही होगी शायद। तो ये पलक झपकाते ही वो इनके सामने आके खड़ी होगी। तो इनके हाथ में क्या है कि इन्होंने गलती कर दी कि इन्होंने हाथ में अपने कुछ डंडे या फिर कुछ मतलब कि हथियार वगैरह नहीं था इनके पास जिसे वो यूज़ कर सकें। तो उन्होंने बहुत तेज़ चिल्लाया, तो तभी क्या हुआ कि पीछे से गांव वाले आ गए और वो इतनी तेज़ भाग के आए, मतलब कि इस डायन को भागने का मौका नहीं मिला। तो उसने क्या किया, उन्होंने क्या किया कि वो उसके चारों तरफ से घिर गए और उस डायन को मारने लगे। उन्होंने बहुत बहुत मतलब बहुत मारा। ठीक है, और अचानक से वो बूढ़े जो आदमी था, बूढ़ा आदमी जिसने सुबह बोला था इन्हें कि ये सब कोई डायन कर रहा है, एक डायन रहती थी, तो वो एक तांत्रिक को लेके आए। ठीक है, और वो तांत्रिक आया और उसने क्या किया कि जहाँ पे जो औरत लोग सिंदूर लगाते हैं, मांग जिसे कहते हैं, तो उसने उसके मांग में जो सिंदूर लगा था उसे पोंछ दिया। ठीक है, वो पोंछते ही मतलब कि इतनी मतलब कि तेज़ उसने चिल्लाया उस औरत ने, और अचानक से वो एक ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो गई उनके आँखों के सामने। ठीक है, और तब उन्हें पता चला कि उनकी वो औरत कोई और नहीं, उनके गांव की जो मुखिया थी उनकी दूसरी पत्नी थी, जिसे वो एक मतलब कि वो घूमने गए थे कहीं, वहाँ से उन्हें ये पसंद आ गई थी, उसे लेकर आए थे। ठीक है, तो उसने क्या किया कि मुखिया ने उसे देख कर वो चौंक गए कि यार तुम, उन्हें कभी मतलब कि उस पर शक हुआ नहीं, बट उनकी जो पहली पत्नी थी उसे शक हुआ था इस पर, कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं था कि वो मुखिया ने दूसरी शादी की है, बट उसे इस पर शक था कि ये औरत कुछ सही नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सब डिटेल बताई कि नहीं, मैंने देखा है कि वो जो चारों लड़कियों की मौत हुई है वो इसी की क्लोज़ फ्रेंड थी, वो चारों इससे बहुत क्लोज थी, मतलब कि वो हर बात वो शेयर करते थे, अपने घर में क्या हुआ, अपने मुखिया की जो दूसरी पत्नी उन्हें पैसे वगैरह देती थी कि तुम्हें अगर ज़रूरत है तो, मतलब कि औरत अच्छी थी, बट वो क्या है कि उसे ना एक मतलब कि वो किताब पढ़ के एक मतलब कि शक्तिशाली बनने की एक जुनून उसके सर पर सवार हो गया था, जिस वजह से उसने ये सब गलत काम कर लिया। तो उसने बताया कि नहीं, मैंने उन चारों को ही मारा है, उसने फिर सबके सामने एडमिट किया। और उस तब गांव वाले ने पूछा कि तुमने उन्हें क्यों मारा, उन्होंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा। तो एक दिन क्या हुआ कि उसने बोला कि एक दिन मैं घर में जब अपने जो असली रूप में आ गई थी, तो उनमें से जो पहली औरत है उसने मुझे देख लिया था, तो उसे मारना ज़रूरी था। तो अब उन्होंने बोला कि ठीक है, तो बाकी तीन औरतों ने क्या बिगाड़ा था। तो उस औरत ने मरने से पहले मेरी एक फ़ोटो खींच ली थी, और उन जो चारों मतलब मुखिया की पत्नी और वो चारों औरत, उनका एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बना हुआ था, तो वो फ़ोटो उन्हें भेज दिया था। तो उसने क्या किया कि उन्होंने कहा कि मुझे उन तीनों को मारना पड़ा और मैंने ही उन तीनों को मारा, और उनके फ़ोन से वो फ़ोटोज़ को डिलीट किया था, और तब इसलिए मुझे माफ़ कर देना, मुझसे गलती हो गई। तो
गाँव वालों को बहुत गुस्सा है, तो उन्होंने क्या किया कि ठीक है हम पुलिस को नहीं बताएंगे, बट उनमें से एक ने पुलिस को ऑलरेडी फ़ोन कर दिया था, तो पुलिस आई और उसके पकड़ के ले गई और फिलहाल वो जेल में है। तो ये थी स्टोरी गाइस आज की, जो कि मतलब कि आजकल भी ये स्टोरी सुन के मुझे अजीब यूँ लगा, इंटरेस्टिंग मतलब अजीब इसलिए लगा कि आज भी लोग डायन भूत प्रेत इन सब की साधना करते रहते हैं। तो इन सब को देख कर तो मुझे लगता है कि यार भाई कोई भी इंसान कुछ भी हो सकता है, किसी पे भी विश्वास मत करो। तो ये थी स्टोरी और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करो यार, बहुत सब्सक्राइबर बहुत कम है। एक चैलेंज लिया है मैंने कि 1000 सब्सक्राइबर पर करने पर मैं एक मतलब कि स्पेशल सरप्राइज़ बनाऊंगा सब्सक्राइबर्स के लिए, तुम लोगों के लिए। तो सब्सक्राइब करो यार प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग और जय श्री राम।